नमस्कार। माँ की हाथ का खाना बिहारी खाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भुजा हुआ चना का चटनी। जो हम मार्केट से भुजा हुआ चना ले आए हैं उसी चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए हम ले लिए हैं लहसुन 8-9 ठो कली, लहसुन, धनिया पत्ता, 3 ठो हरा मिर्ची, नींबू जो हम आधा नींबू लेंगे, नमक और सरसों का तेल। जो भूजा हुआ चना है उसको हम सिलौटी पर रख करके और लोढ़ी से उसको हल्का हल्का दरड़ देंगे, छिलका निकल जाएगा। छिलका निकल चुका है, अब हम इसको सूप में लेकर के फटक लेते हैं। जो छिलका है उसको हम हटा देंगे और दाल, हम जो चना का दाल है उसको हम साफ कर लेंगे अच्छी तरह से, सब हटा देंगे और जो फ्रेश निकलेगा उसको हम सिलौटी पर रख करके पीस लेंगे। हम साफ कर लिए हैं, साफ करने के बाद कुछ इस तरह से हो गया है। अब हम सिलौटी पर रख करके इसको पीस लेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो आप देखें। धनिया पत्ता, लहसुन, हरा मिर्ची रख करके हम पीस लिए हैं। अब स्वाद के अनुसार नमक रख देते हैं। नमक रख करके हम सब अच्छी तरह से पीस लेंगे। भुजा हुआ चना का दाल जो हम पीसे हैं उसमें थोड़ा सा पानी रख करके गीला कर देंगे, इसके पीस लेंगे और सब में मिला लेंगे। सब पीस करके अब हम कटोरा में उठा लिए हैं। अब सिलौट पर थोड़ा सा पानी रख करके वो भी उठा लेंगे कटोरा में। अब हम दूसरा कटोरा में रख लेते हैं। कटोरा भर गया है, उसमें नींबू, आधा नींबू का जूस हम रख करके मिला देंगे। 1 चम्मच सरसों का तेल रख देंगे, तेल रख करके मिला देंगे। चटनी बनकर तैयार है। पराठा के साथ, पकौड़ा के साथ, आप लिट्टी के साथ खाइए, बहुत अच्छा बना है। चटनी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।